नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब गेट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की बड़ी भर्ती के बारे में। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे जो इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर की जाती है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट सबसे पहले दी जाती है। आज के इस भर्ती के लिए मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप इंडिया में कहीं से भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज की इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और आज बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया कि भर्ती होने जा रही है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में यानी कि कर्मचारी चयन आयोग में। दोस्तों ये भर्ती होने जा रही है, इसमें पोस्ट के नाम है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी तथा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। दोस्तों यदि आप 12वीं पास है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक दोस्तों इस भर्ती में एज लिमिट यानी कि आयु सीमा की बात है तो स्टेनो ग्रेड डी के लिए एज लिमिट है 18 साल से 27 साल तथा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 साल से 30 साल तक की एज लिमिट है। दोस्तों जहाँ तक टोटल वैकेंसीज़ की बात है तो इसमें वेरियस वैकेंसी है दोस्तों, 1000 में दोस्तों ये वैकेंसियाँ होती है ऑल इंडिया बेसिस पे। जहाँ तक सैलरी की बात है तो सैलरी आपको एज पर रूल दी जाएगी दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और दोस्तों इस भर्ती में जहाँ तक फीस की बात है तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस है, फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए दोस्तों कोई फीस नहीं है यानी कि फीस एग्जेम्प्टेड है। दोस्तों इस भर्ती के लिए आप 10 अक्टूबर 2020 से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 4 नवम्बर 2020। इसमें दोस्तों जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तथा स्किल टेस्ट होगा और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जी हाँ दोस्तों, इस सामने रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों जहाँ तक स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट की बात है तो इसके लिए एज लिमिट है 18 साल से 30 साल। इसके लिए क्रूशल डेट है 1 अगस्त 2020 यानी कि कैंडिडेट का जन्म 2 अगस्त 1990 से पहले नहीं होना चाहिए दोस्तों और 1 अगस्त 2002 के बाद नहीं होना चाहिए। दोस्तों जहाँ तक स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट की बात है तो इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है 18 साल से 27 साल, क्रूशल डेट 1 अगस्त 2020 है दोस्तों यानी कि 2 अगस्त 1993 से पहले कैंडिडेट का जन्म नहीं होना चाहिए दोस्तों और 1 अगस्त 2002 के बीच कैंडिडेट का जन्म नहीं होना चाहिए। दोस्तों जहाँ तक एज रिलैक्सेशन की बात है तो एससी एसटी को 5 साल का है, ओबीसी को 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व के लिए दोस्तों 10 साल का है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल का है तथा पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। और ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसका डिटेल आप यहां से पूरा पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती में जहां तक एप्लीकेशन फ़ीस की बात है तो आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है दोस्तों। और जहाँ तक वुमेन कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की बात है तो इनके लिए दोस्तों फ़ीस एग्जेम्प्टेड है और आपको फ़ीस की पेमेंट ऑनलाइन पे करना दोस्तों। इसके लिए लास्ट डेट है 6/11/2020। दोस्तों इस भर्ती में जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो ये ऑल इंडिया बेसिस पे दोस्तों इसका एग्ज़ाम होगा। पॉइंट नंबर 11 में दोस्तों टोटल डिटेल दे रखा है कि इंडिया में कहाँ कहाँ दोस्तों इस भर्ती के लिए एग्जामिनेशन सेंटर हैं, इसका डिटेल आप पॉइंट नंबर 11 से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों जैसे बताया कि इस भर्ती में दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और इस भर्ती के लिए ज़्यादा एग्जामिनेशन पैटर्न की बात है दोस्तों तो इसके लिए टेंटेटिव डेट है दोस्तों 29/3/2021 और 31/3/2021 के बीच दोस्तों आपका एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। और इसके लिए ज़्यादा पैटर्न की बात है तो पार्ट वन में दोस्तों आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का पेपर होगा, इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। और दूसरा पेपर होगा दोस्तों आपका जनरल अवेयरनेस का, इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के दोस्तों। और तीसरा पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा तथा कंप्रिहेंशन का दोस्तों, और इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स का। और इसकी ड्यूरेशन दोस्तों 2 घंटे की होगी और 2 घंटा 40 मिनट की ड्यूरेशन होगी। जो लोकोमोटर्स डिसेबिलिटीज से रिलेटेड कैंडिडेट हैं उनके लिए ड्यूरेशन 2 घंटा 40 मिनट का होगा। दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे दोस्तों,
इसमें हिंदी तथा इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग या दोस्तों 0.25 मार्क्स आपके गलत आंसर के लिए काट दिए जाएंगे। दोस्तों इस भर्ती में जहाँ तक एग्जामिनेशन की बात है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड मॉडल एग्जामिनेशन की बात है तो इसका जहाँ तक सिलेबस की बात है तो इसका डिटेल पॉइंट नंबर 13 में दे रखा है दोस्तों। इसके हिसाब से आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है दोस्तों, इसका डिटेल आप पॉइंट नंबर 13 से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसमें तीनों पेपरों के सिलेबस का डिटेल दे रखा है दोस्तों। इस भर्ती में जो कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पास कर जाते हैं तो उनका स्किल टेस्ट होगा दोस्तों, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। 10 मिनट का आपको डिक्टेशन दिया जाएगा दोस्तों इंग्लिश में या हिंदी में, और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए दोस्तों 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन दिया जाएगा तथा स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट के लिए दोस्तों 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आपको डिक्टेशन दिया जाएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों जहाँ तक ट्रांसक्राइब की बात है तो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए इंग्लिश के लिए दोस्तों आपको 50 मिनट में दोस्तों आपका ड्यूरेशन दिया जाएगा ट्रांसक्राइब करने के लिए, और जो कैंडिडेट लोकोमोटर्स के हैं उनको 70 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। जहाँ तक दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात है हिंदी वालों के लिए 65 मिनट का टाइम दिया जाएगा, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा दोस्तों। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए दोस्तों इंग्लिश वालों को 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ के लिए दोस्तों 55 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड सी हिंदी वालों के लिए 55 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है दोस्तों, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि जो पैरा 7A और पैरा 7B में आते हैं जो कैंडिडेट उनको 75 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा दोस्तों। इस नोटिफिकेशन में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से आप इसको सुन लीजिएगा। इसमें लिखा गया है कि कैंडिडेट्स हु ऑप्ट टू टेक द स्टेनोग्राफी टेस्ट इन हिंदी विल बी रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड वाइस वर्सा आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। दोस्तों यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है और यदि आप स्टेनोग्राफर हैं दोस्तों हिंदी के, तो आपको इंग्लिश की स्टेनोग्राफी सीखनी पड़ेगी और इंग्लिश वालों को हिंदी की स्टेनोग्राफी सीखनी पड़ेगी दोस्तों। आपको काम करना है एज ए इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफर, और जो आपका प्रोबेशन पीरियड है वो तभी दोस्तों क्लियर किया जाएगा यदि आपकी दूसरी लैंग्वेज की स्टेनोग्राफी सीख जाते हैं। इसका डिटेल आप यहां से पूरा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इस भर्ती के लिए आप 10 अक्टूबर 2020 से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 4/11/2020। जहां तक दोस्तों लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट की बात है तो फीस की पेमेंट आप 6/11/2020 तक कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें लिखा गया है कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, ऑफलाइन चालान दोस्तों आप 8/11/2020 तक जनरेट कर सकते हैं, और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान की बात है जहाँ तक तो 10 नवंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। जहाँ तक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात है तो इसकी डेट्स हैं दोस्तों 29/3/2021 से लेके 31/3/2021, इसके लिए दोस्तों एक टाइम दे रखा है। इस बीच आपका CVT हो सकता है दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो सकता है। और दोस्तों इस भर्ती की डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट https://ssc.nic.in जाके आप इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था इस भर्ती का शॉर्ट डिटेल, और इनकेस आप इस भर्ती में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच।